नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य जो घटना चक्र की पुस्तक है उसे। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न संख्या है आज की, तो वो है 92। तो पूछा गया है, संबत 1050 से लेकर 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये नामकरण किया गया था विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 93। तो पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या? 50 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। आगे प्रश्न है 94। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो ये होगा विकल्प डी, भक्तमाल। जो भक्तमाल है ये वीरगाथा काल या आदिकाल की रचना नहीं होगी, अपितु ये रचना है भक्ति काल की। बाकी जो रचना है संदेश रासक, जय मयंक जसचंद्रिका, आलाखंड, ये तीनों रचनाएं आदिकाल या वीरगाथा काल की रचनाएं हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। नावादास भक्ति काल के कवि थे। जो नावादास हैं भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल प्रियदास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छपियों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो भक्तमाल की टीका है किसने लिखी है? तो जो भक्तमाल की टीका लिखी है प्रियदास के द्वारा। और जो दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो भक्तमाल की टीका कब की गई थी? तो ये की गई थी 1712 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न बन सकता है कि जो नावादास की भक्तमाल रचना है इसमें कितने भक्तों का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है 200 भक्तों का वर्णन। और अगला जो प्रश्न बन सकता है तो ये होगा, जो नावादास की भक्तमाल थी इसमें भक्तों का अर्थात 200 भक्तों का वर्णन या चरित्र वर्णन कितनी छपियों में किया गया है? तो ये किया गया है 316 छपियों में। अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो भक्तमाल है इसमें तुलसीदास जी को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है भक्तमाल का सुमेरु। आगे जो प्रश्न बन सकता है ये बनेगा, संदेश रासक के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो संदेश रासक के रचनाकार का नाम है तो ये है अब्दुल रहमान। अगला जो प्रश्न बन सकता है तो वो होगा, जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार का नाम है तो ये है मधुकर भट्ट। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको हर एक प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर बहुत सारे तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, बस आपको केवल ध्यान से देखना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 95। तो पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो यहाँ पर जो आदिकाल का कवि नहीं होगा तो वो होगा नावादास। बाकी चंद्रबरदाई, जगनिक और दत्तपति विजय, ये तीनों आदिकाल के कवि हैं। आगे थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। नावादास भक्तिकाल के कवि थे और जो भक्तिकाल में सगुण भक्ति से संबंधित थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इनमें इन्होंने जो पुस्तक रचना की थी वो थी अष्टयाम की श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना से रिलेटेड इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। ये तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के हैं, तो इसे आप देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 96। तो पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, विद्यापति पदावली। जो विद्यापति पदावली है ये आदिकाल की रचना है। आगे व्याख्या है, विद्यापति की पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूर सागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है 97। तो पूछा गया है,
आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो जो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस होगा तो वो होगा विकल्प डी वीर रस। आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या की गई है तो इसे आप देख लेना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगला प्रश्न है 98, तो पूछा गया है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो जो विद्यापति के द्वारा ग्रंथों की रचना की गई थी तो वो की गई थी 14, यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा या वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। अगला प्रश्न है 99, तो पूछा गया है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो जो विद्यापति के पद हैं ये है मैथिली भाषा में रचित, यहाँ पर विकल्प भी उचित होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 100, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो ये होगा कीर्ति पताका। जो कीर्ति पताका है, कीर्ति लता है और पदावली है, ये तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं। अगला प्रश्न है 101, तो पूछा गया है विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये कहलाए थे पदावली की रचना के कारण, पदावली की रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए गए। व्याख्या देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। प्रश्न बन सकता है कि किसके रचनाओं में जो नायक और नायिका राधा कृष्ण होते हैं? तो ये होंगे विद्यापति और ये मैथिली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है 102, तो पूछा गया है देसील बैना सबजन मीठा तें तैसन जप्यो अभट्ठा, ये पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी विद्यापति की, यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं, प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 103, तो पूछा गया है इनमें से कौन से कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित थे? तो ये थे विकल्प ए विद्यापति। जो विद्यापति था इनका दूसरा नाम था अभिनव जयदेव। व्याख्या है, विद्यापति ने ओइन बार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट्य एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइन बार कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि जो विद्यापति है इन्हें किसने अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की थी? तो ये की थी महाराज शिव सिंह ने। अगला जो प्रश्न है ये है 104, तो पूछा गया है किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो ये होंगे विद्यापति, यहाँ पर ए सही विकल्प होगा।